So what's up guys, welcome to my channel Sukhroy the Vlogger. So आज लेके आए थोड़े वास्ते इंडियन गेस्ट इन पाकिस्तान जो पुलवामा के बाद जो इंडिया पाकिस्तान में रोला चल रहा है उसमें अभी किसी ने सोशल एक्सपेरिमेंट किया. सो अपा मैं क्या चल रहा हूँ रिएक्ट कर दें. सो अपा रिएक्शन देने लग गया, टाइम वेस्ट ना करें, काफ़ी लॉन्ग वीडियो. सो होप यू गाइस इंजॉय. तो मैं भी देखा पुलवामा तो बाद की असर पिया पाकिस्तान उत्ते इंडिया के बारे या इंडियन की सोचते हैं और उत्ते बेस है, देखते हैं की क्या होता है. सो लेट्स बिगिन गाइस. पीछे पुलवामा वाला जो मसला हुआ, उस मसले के बाद मैंने अपने आप को एक होटल के कमरे में बंद कर दिया था. क्यों? कहीं पाकिस्तान की जनता मुझे मार ना दे, उनको पता चले कि मैं भारत से हूँ तो कहीं मार ही ना दे मुझे. नहीं यार, पाकिस्तानी आवाम ऐसी नहीं, पाकिस्तानी आवाम तो मेहमान नवाज है यार. नहीं दरअसल ये यार, आप तो बड़ी परेशानी है. दरअसल पाकिस्तान है यार, ये इंडिया तो थोड़ा ही जम मर्जी आओ आपका शहर. परेशानी लग जाती है, अपना देश नहीं है इसलिए परेशानी definitely you are benefiting from it. Assalamu alaikum guys, this is Salam Tahir from Lahore Fire. Well guys, Indian Guest Part 2 करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि पुलवामा अटैक के बाद कुछ इंडियंस का हमारी हर वीडियो के नीचे कमेंट इस सूरत में आ रहा था. खैर मोदी जी की स्ट्रेटेजी अगर आप जानना चाहते हैं, मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूंगा, वैग द डॉग. देखो आपको पता चल जाएगा कि मोदी जी करना क्या चाह रहे हैं. एंड एट द एंड एक ही चीज कहूंगा यार, एंजॉय द वीडियो एंड हैशटैग से नो टू वॉर. नमस्ते भाई. नमस्ते भाई. क्यों नमस्ते कह रहे हैं आप? मैं भाई इंडिया से हूँ. यहाँ पे क्या करने हैं आप? मैं भाई एक महीना पहले का आया हूँ इधर, तो मैं पाकिस्तान घूमने आया था बेसिकली. अच्छा. मैं नॉर्दर्न एरियाज भी घूम के आया हूँ पाकिस्तान के. बड़ा खूबसूरत है पाकिस्तान, मतलब कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान. तो पीछे जो हालात खराब हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के आपस में, तो मैं डर गया था कहीं पाकिस्तान की जनता मुझे मार ना दे, तो मैंने अपने आप को होटल के कमरे में छुपा दिया था. तो एक हफ्ते से मैं होटल के कमरे में रह रहा हूँ. तो अभी बाहर निकला हूँ हिम्मत करके, ये सोचे तुम पाकिस्तान की जनता मार ना दे. नमस्ते भाई. दरअसल भाई मैं भारत से आया हूँ. तो मैं दरअसल पाकिस्तान घूमने आया था मैं भारत से, तो तकरीबन एक महीना हो गया मुझे. नमस्कार भाई. सारे ही पढ़ते हैं. नमस्कार कहना है. मुझे एक महीना हो गया यहाँ पे पाकिस्तान में. विजिट पे आया हूँ इंडिया से. मैं पाकिस्तान घूमने आया था कि देखना चाहता था कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं. मैं नॉर्दर्न एरियाज भी घूम के आया हूँ, लाहौर भी देखा है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा है. पाकिस्तान की जनता भी बहुत अच्छी है. तो मैं दरअसल पीछे पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब हुए थे, तो पीछे पुलवामा वाला जो मसला हुआ, उस मसले के बाद मैंने अपने आप को एक होटल के कमरे में बंद कर दिया था. कहीं पाकिस्तान की जनता मुझे मार ना दे, उनको पता चले कि मैं भारत से हूँ तो कहीं मार ही ना दे मुझे. नहीं यार, पाकिस्तानी आवाम ऐसी नहीं, पाकिस्तानी आवाम तो मेहमान नवाज है यार. नहीं दरअसल इंडिया से है यार, आप तो बड़ी परेशानी है. दरअसल पाकिस्तान है यार, ये इंडिया तो थोड़ा ही जम मर्जी आओ आपका शहर. परेशानी लग जाती है. नाम से जो कह रहे हैं हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई चक्कर नहीं है. वो ना पाकिस्तान ने किया ऐसा, ना पहले कभी किया, ना अब किए. वो सरकारों के मामलात हैं, भारत की मामलात हैं. वो आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब आपके जो हैं वो अपने इलेक्शन की वजह से ये सारा ड्रामा कर रहे हैं. मसला ये भी ना, मैं अपनी करेंसी एक्सचेंज नहीं करवा सकता था, कहीं किसी को पता ना चल जाए. तो नहीं, भूख तो लगी है लेकिन जो मर्जी भाई. मैं दरअसल परेशान हूँ बहुत ज़्यादा. मेरी करेंसी भी इंडिया की है, मैं एक्सचेंज नहीं करवा सकता कि कहीं पाकिस्तान की जनता मार ना दे मुझे. इसलिए मुझे डर लगा हुआ है.
मुझे बस मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मुझे जाना है उधर भारत, अपने देश वापस जाना है। तो आप मुझे वाघा बॉर्डर अगर छोड़ दो तो मैं इंडिया से जाके आपको पैसे भेज दूँगा। पाकिस्तान की जो आवाम है ये ऐसी नहीं है, ये लड़ाई पे, झगड़े पे, जंग पे वोट नहीं देती। वो तो आपको पता है कि इंडिया में ये मसला किस लिए चल रहा है, सिर्फ वोट के चक्करों में। ये आप ये दो मुल्कों के जो हुक्मरान होते हैं ना, उनकी वजह से ये मामला चलते हैं। वो तो बहन के लोड़े मिलते हैं, ठीक है, हमें नहीं मिलने देते आवाम को आपस में। बेशक इसी तरह उधर भारत में भी जनता पाकिस्तानियों से मिलना चाहती है, वो लोग आपस में मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के देश में आना चाहते हैं। भारतीय भी चाहते हैं वो पाकिस्तान में आए, मैंने देखा है पाकिस्तानी भी चाहते हैं वो भारत में जाएं। तो दरअसल मैंने करेंसी एक्सचेंज करवानी थी, वो अभी तक करवाई नहीं मैंने, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो अभी करेंसी एक्सचेंज नहीं करवा सका, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो आप खाने को कुछ अगर मिल जाए, ये आपका प्यार है भाई, बहुत 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 धन्यवाद। ना देखो कुछ ये नहीं है ना, हम खुद जाना चाहते हैं कि यार उधर हालात ठीक है, उधर तो हालात बहुत ज्यादा खराब है, मुसलमानों को मार रहे हैं, लेकिन आप इधर घूमो, किसी को पता चलेगा कि यार आप उधर से आए हो, आपकी डबल मेहमाननवाजी, आपको मारना पीटना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि आपके साथ चलेंगे कि यार आपने कहाँ जाना है, हम आपके साथ चलते हैं। ये इंडिया नहीं है, ये पाकिस्तान है, इंडिया तो में और पाकिस्तान के आवाम में फर्क है, आप खुद फील कर रहे होगे। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की जनता, मैं डर रहा हूँ चार खड़े कहीं मार ना दे मुझे, ये सारे भाई हैं, बल्कि ये इसी वजह से इधर आए हैं। देख के आपको यार, जब आपने कहा ना कि मैं इंडिया से आया हूँ, अभी तो किसी और को पता चलेगा, अभी तो इधर एक रश पड़ जाना है कि आप वाकई आए हो इंडिया से। ये मैंने देखा है, परसों मैं पुराने लाहौर गया था, उधर भी जनता इसी तरह इकट्ठी हो गई, उनको पता चले वाली कोई बात नहीं है भाई। अभी आप बैठो, आपको खाना वाना खिलाते हैं, ठीक है, अगर आपने कहीं जाना है तो हमें बताओ, आपके साथ जाते हैं, कारोबार को छोड़ देते हैं। ये नहीं बात कि आप हमारे पास मेहमान आए हो तो हम बैठे रहें, ये कोई बात नहीं। आप ये जो मेहमान जाते हैं एक दूसरे मुल्क, ये सफीर होते हैं, ठीक है, ये सफारतकारी असल आवाम है, हुक्मरान है, ये जो लोग हैं ये सफारतकारी नहीं करते, क्रिकेटर है ये बेशक अपनी सरकार बनाने के लिए सारे करते। ये सर मैंने बताया ना आपको, हर बंदा चमकाने के लिए होता है, क्रिकेटर है वो अपनी चमकाते हैं, हीरो हैं वो, फिल्म स्टार हैं वो अपनी चमकाते हैं, ये जो है सियासतदान है ये अपनी सियासत चमकाते हैं, असल सफारतकारी आवाम करती है। बहुत समझदार है, आप बैठो यहाँ, बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद भाई, मैं पैसे भेज दूंगा, मैं जुबान का पक्का हूँ। और अगर आपको लाहौर घूमने में कोई मसला मसाइल हो तो हम ताबेदार हैं, हमारे लिए जितना हो सके हम आपके लिए करेंगे। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो आप मेरा नंबर ले लें, मैं आपका नंबर ले रहा हूँ, आपने उसके बाद मुझे गाइड करना है। सुना है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज बहुत खूबसूरत हैं, आपने गाइड करना है कि कौन कौन से पॉइंट पे जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कश्मीर में तो भारत को नहीं, भारतीयों को जाना अलाउ नहीं है, जहाँ मर्जी घूमे, लेकिन हमारी तरफ से कोई आपको रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जब मर्जी जहाँ आपका दिल करे पूरे पाकिस्तान में घूमे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आवाम जाती है वो नेचुरल चीज़ें देखती है, no doubt. उधर जाते हैं वो देखते हैं, वो इधर आते हैं वो देखते हैं, अगर हम में ये ना हो बिल्कुल इसी तरह जाते हैं। लेक्चर पूरा चढ़ा का प्यार जो मचा है, जो दर्द जो क्या दस रहे हैं, चंगा रिस्पोर्ट कर रहे हैं, आवाम करती है। आप सोशल मीडिया पे जाके देख लो, करतारपुर वाले पे हमने क्या किया है, हमने किया, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, हम तो करते रहेंगे। आवाम है ना, ये कोई हुक्मरानों की नहीं है, आवाम ने दबाव डाला कि यार ये काम होना चाहिए, तो हुए सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें लाहौर में घूमने वाले पॉइंट कौन से हैं, ठीक है, आप जितना मर्जी जाओ लाहौर में जाओ, पाकिस्तान पूरा पड़ा, जहाँ मर्जी घूमो फिरो, आपको कोई ना कोई पूछने वाला है ना कोई, बल्कि आप इदारों की बात करते हो, किसी पुलिस वाला आप
से पूछोगे वो भी आपको कोई नहीं कहेगा, वो भी आपसे प्यार से मिलेगा। फौजी से मिलो, इवन किसी फौजी से मिलो, वो भी आपको पता चलेगा कि कैसे पाकिस्तानी है। धन्यवाद, थैंक यू। कौन सी जगह घूमी? लाहौर अभी तक मैंने, धन्यवाद, कोई बात लाहौर मैं घुमा हूँ अभी तक, पुराना लाहौर जिसे कहा जाता है वो घुमा हूँ। लाहौर बहुत खूबसूरत है और इस चीज़ की आज मिसाल आपने दे दी है, बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मीनार पाकिस्तान भी देखा है, बादशाह मस्जिद सारा देखा है, बादशाह मस्जिद भी देखी है। उधर हमारे दिल्ली में भी है सेम इसी तरह का मस्जिद, तो बस ठीक है, बहुत धन्यवाद जी भाई। इंडिया से यार कह रहे थे कोई इंडिया का पाकिस्तान नाम सकता मेंबर क्या? हाँ सर, मैं पाकिस्तान घूमने आया हूँ दरअसल। विजिट पे आए? विजिट पे आया, एक महीना हो गया मुझे यहाँ पे आए। तो कितने महीने का विजिट? मेरा डेढ़ महीने का विजिट भी, डेढ़ महीने से मैं मतलब इंडिया से आया हूँ, इधर घूम रहा हूँ, पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज देख के आया हूँ। और कश्मीर वगैरह तो जाने की इजाज़त नहीं है हमें, तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा पाकिस्तान, और भाइयों ने अभी मिसाल कायम कर दी है। कोई बात, धन्यवाद, कोई बात, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह से हम भी उन एक्टर्स को लाइक करते हैं। और इधर के आपको कौन सा वाला एक्टर पसंद है? जॉन अब्राहम। आपको कटरीना कैफ? ना करें सो गाइस, बहुत बढ़िया एक मैसेज इस वीडियो थ्रू मिलिया द इंडिया या इंडियन या कुछ भी कोई भी उन्हों पाकिस्तान वाले लोगों बुरा भला कह रही है तो असी उन्होंने लोगों से ला लो तुसी असी उन्होंने गालां कढ़ लिए जां उन्होंने तंग करिए अपने इंडिया देश दे विच उन्हों दा फिर भी लोगों का दिल इन्ना वड्डा है पाकिस्तान वाले दा जिहड़ा ओह फिर भी कोई इंडिया तो आया है तो उन्हू रिस्पैक्ट कर दिया उदी ते उन्हू उदा लुक आफ्टर कर दिया ते उदी हेल्प करने दी तैयार आ। सो पुलवामा तो बाद मेरे लग्या इंड पाकिस्तान दे आवाम जिहड़ी हैगी आ ओह भी काफ़ी कहूगी नहीं यार ये तो असीं एवें हथ जफ्फी पाई जाने तो साढ़े हथ मिलाउण दे लायक नहीं है पर नहीं इत्थे गलत है आपां पाकिस्तान जी जनता आ हाले भी साथ दिंदी आ हाले भी लोगों की रिस्पैक्ट करती है तो मैनू बहुत चंगा लग्या ये सोशल एक्सपैरिमेंट लोहरी फ्यूल लाहौरी फ्यूल वालों का आया रिएक्शन दिता उन्होंने उन्होंने पेज का ना आया यूट्यूब पर उन्होंने सबसक्राइब जरूर करे बहुत वधिया काम कर रहे हैं सही नोट ही वो गाइस तो चंगा लग्या बस मैं कुछ यही नहीं कह सकता मेरा रिएक्शन तुम्हें पसंद लग्या तो लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर कर दो चैनल में तो आप इतने वीडियो पाते रहेंगे तो कॉमेंट बिलो वट अदर रिएक्शन यू वॉन्ट टू सी अगे कि रिएक्शन मैं तुम दवा लोहड़ी वेडिंग का आप रिएक्शन देना है वह भी लाइव स्ट्रीम से 10-10 मिनट का 20-20 मिनट का दवा करा पूरी फिल्म आप देखनी है तो होपफुली तुम इस चीज़ न इदी चलते रह रखोंगे सारे प्यार बताते रहेंगे आप सारे जने बस ये लड़ाई मुके कोई लड़ाई ना हो कुछ ना हो सारे प्यार मुहब्बत रहन अपना यही मैसेज है गाइस। सो होपफुली तुसी इंजॉय किया तो आप चलते गाइस अगली वीडियो ना तुम मिलेंगे भी जल्दी तो जल्दी। सो गाइस वर्क हार्ड स्टे हम्बल टेक केयर पीस।